बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये ना इंट्रोडक्शन लेक्चर है फॉर सैटर, जो हम यूज़ करेंगे एज अ लॉजिक सिमुलेटर। सैटर ये सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा जहाँ से आपने डाउनलोड करनी है इसकी एग्जिट फाइल। और ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें गेट्स अवेलेबल हैं, इनपुट्स आउटपुट अवेलेबल हैं, LEDs अवेलेबल हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हुए सर्किट बना सकते हैं और फिर सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट कॉर्नर में देखें, ये हमारे पास 10 बेसिक आइटम्स हैं जिनमें इंक्लूडेड है बेसिक गेट्स, नेक्स्ट इन्वर्ट एंड कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट्स, डेकोरेशन, मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर, एडर एंड कंपैरेटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, रैम एंड रोम मेमोरीज एंड चिप्स। चिप्स देखें, अभी जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने अभी स्टडी किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को, उसमें मैंने आपको डिफरेंट चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट दिखाए थे, ये वो चिप्स हैं, राइट। अब ये जो डाउन साइज पे पोर्शन है, यहाँ पे ये सब सेक्शन है, दिस इज सब सेक्शन। हम ऊपर से जो भी आइटम सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल नाउ एट द मोमेंट आई हैव सेलेक्टेड फर्स्ट हेड दैट इज बेसिक गेट्स, तो ये सारे बेसिक गेट हमारे पास आ गए। इसमें से फर्स्ट गेट हमारे पास है एंड गेट विथ टू इनपुट्स, नेक्स्ट एंड गेट विथ थ्री इनपुट्स, एंड गेट विथ फोर इनपुट्स, इसी तरह और गेट विथ टू इनपुट्स, और गेट विथ थ्री इनपुट्स, और गेट विथ फोर इनपुट्स, सो ऑन। वी हैव नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, नॉट और गेट है, नॉट एंड गेट है, एंड सो ऑन। अब ये सेवरल इनपुट्स, 7-8 इनपुट्स, एंड गेट है, और गेट है विद मल्टीपल इनपुट्स, सो अच्छा, अगर इसी तरह अगर हम मैं सेलेक्ट करूंगा नेक्स्ट हेड इन्वर्टर एंड कनेक्ट, इसमें हमारे पास इन्वर्टर नॉट गेट आ गया, इन्वर्टर आ गए, एंड सो ऑन, ये चीजें आ गई हैं। नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट हमने देनी है, एक टॉगल स्विच है, ये वेव है विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, सो ऑन, ये चीजें होगी, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर। तो आज जो फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट है डेट इज हाफ एडर, ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हाफ एडर का सर्किट हम कैसे ड्रॉ करेंगे सैडर लॉजिक सिमुलेटर पे, और फिर कैसे हम उसे सिमुलेट करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू बेसिक गेट्स। सर्किट बनाने के लिए आपको सर्किट मेमोराइज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कौन कौन से गेट्स यूज होंगे, और हाफ एडर में आज का जो है जो एक्सपेरिमेंट है डेट इज हाफ एडर। आपको मैं बता, हाफ एडर, हाफ एडर, हाफ एडर का सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। उस सर्किट में यूज होते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट which will produce sum, और यूज होगा एक एंड गेट दैट विल प्रोड्यूस आवर कैरी आउट। अच्छा, और इनपुट और आउटपुट में क्या है हमारे पास, इनपुट में वी हैव टू इनपुट्स, राइट, दो इनपुट्स ले ली मैंने, ए एंड बी, ए एंड बी, दो इनपुट्स हो गए। और आउटपुट आपको याद है, दो आउटपुट हैं, और आउटपुट को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए आई विल कनेक्ट एलईडी, एलईडी कनेक्ट कर दे। ये हमारे पास दो एलईडी आ गई। एक्सक्लूसिव और की जो आउटपुट थी, इट वाज आवर सम, से हम कहते हैं सम, और एंड गेट की जो आउटपुट है उसे हम कहते हैं कैरी आउट, कैरी आउट, राइट। अब इनको हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं कंपोनेंट्स को,
वायरिंग नहीं होगी, जैसे आप लोगों को याद है आपने अप्लाइड फिजिक्स में आपने प्रोजेक्ट बनाए थे बेसिक, और उसमें कंपोनेंट आप इंटरकनेक्ट करते हैं, तो इसी तरह कनेक्ट करेंगे ये इनपुट फर्स्ट इनपुट राइट, बी को भी मैंने दे दिया एक्सक्लूसिव ऑर के साथ। ओके जी, अच्छा जो अब ये एंड गेट है इसके भी इनपुट देनी है हमने ए एंड बी। थोड़ा मैं इन्हें अलग अलग कर देता हूँ सो दैट फाइन। ए एक्सक्लूसिव और में भी हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, और इसी तरह एंड में भी आ गया। अब मैं आउटपुट को कनेक्ट कर देता हूँ एलईडी के साथ। अच्छा कनेक्ट कैसे करते हैं, इंटरकनेक्शन पॉइंट पे आप माउस ले जाएंगे, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे, और फिर ड्रैग करते हुए माउस को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा अब एट द मोमेंट ब्लैक कलर मीन्स 0 0, ठीक है जी। अभी हमारे पास, अब मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूँ जी। ट्रुथ टेबल में हमारे पास इनपुट है ए, दूसरी इनपुट है बी, एंड आउटपुट है हमारे पास सम एंड कैरी। ओके, ए एंड बी क्या है इस वक्त 0 0। अब आप ये देखें लाइट एलईडी भी ब्लैक है, मीन 0 मीन 0, सो सम भी 0 है, कैरी आउट भी हमारे पास 0 हो गया। अब देखना है आपने, मैं अब इनपुट चेंज करूंगा फिर सिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज ए एंड बी, ए आई विल कीप 0, ए को मैं 0 ही रखूंगा और बी को क्या कर दूंगा 1। अब देखते हैं रिजल्ट क्या, ए 0 आई विल नॉट चेंज इट, बी को यस चेंज कर दिया मैंने, बी को 1 कर दिया। सो 0 प्लस 1, ये हमारा सर्किट आपने याद रखना है, इट इज फॉर समेशन। हमारा 0 प्लस 1 सम 1 हो गया, आप देख रहे हैं रेड हो गया, और कैरी आउट इज 0, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा ठीक आया आपको। सेकंड नेक्स्ट इनपुट लेते हैं, मैं ए को 1 कर देता हूं, बी को 0 करता हूँ, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 0 0, ए को कर दिया, आप नोट करें 1, बी इज 0 अगेन, रिजल्ट सेम आया, सम इज 1 एंड कैरी इज 0। ओके यस, इस तरह ही होना चाहिए। थर्ड देखिए, थर्ड कॉम्बिनेशन, ए भी 1 है बी भी 1, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 0 0 करते हैं, ए भी 1 दूसरी इनपुट भी 1, ठीक है। तो सम हमारे पास हो गया 0, सम इज 0 एंड कैरी इज 1, आउटपुट कैरी इज 1, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल बनाया हमने यूजिंग किसका, हाफ एडर का, लेकिन ट्रुथ टेबल हमने अपनी मेमोरी से नहीं बनाया, वी हैव परफॉर्म दिस फंक्शन यूजिंग आवर लॉजिक गेट्स, और फिर हमने ये डेवलप कर दिया ट्रुथ टेबल। दोबारा मैंने 0 0 कर देता हूँ, तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। अच्छा अब आप लोगों ने होम असाइनमेंट नोट कर लें, आपने फुल एडर का सर्किट बनाना है, उसे सिमुलेट करना है, और सिमुलेशन के बाद उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। जैसे मैंने ये साइड पर ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया है, आपने सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी फॉर फुल एडर, और ये एक्सरसाइज आपने मुझे कल सबमिट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा आपको ऑफ कोर्स जब आप फर्स्ट टाइम आप हेडर पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, प्रॉब्लम आएंगे,
कोई इशू नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा सेटिस्फाई कर। थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह कल फ्राइडे या कल आज क्या दिन है, कल फ्राइडे, आज कल फ्राइडे है इंशाल्लाह ताला, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम डिस्कस भी करेंगे फुल लैडर का सर्किट भी, और आप लोग क्वेश्चन भी मेरे से पूछिए कल के सेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय, अल्लाह हाफिज़।